तो भाई अपन आ गए अंधेरी, देख सकते हो आप अंधेरी रेलवे स्टेशन। एंड मेरे चेहरे को इग्नोर करना गाइस, मेरी ऐसी हालत ख़राब है ना, मैं आपको बोल नहीं सकता। कल रात को मैं सोया हूँ 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे के बाद ही सोया हूँ। और मेरे को उठना था 4 बजे, एंड मैं 4 बजे उठा। मैं बहुत डर रहा था कि मैं उठ पाऊँगा कि नहीं, मम्मी उठाएगी कि नहीं, बट मैं पता नहीं क्यों लेटा ही था, नींद नहीं आ रही थी मेरे को, नींद भी नहीं आ रही थी, लेटा ही था और अंदर ही अंदर कांप रहा था पूरी रात, धड़ धड़ धड़। फिर मेरे को पता नहीं कब थोड़ी देर के लिए नींद आई एंड मैं सो गया। और जैसे अलार्म बजा तो मेरी तो आँख खुली गई, मम्मी की भी खुली, और मम्मी एकदम जोर से अरे उठ। तो मैं उठा एंड फटाफट मतलब उठा, एंड उसके बाद मैं ऐसा शिवरिंग कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको बोल नहीं सकता, ऐसा कांप रहा हूँ। मेरी मम्मी भी देख के पागल हो गई, बोले क्या हो गया तेरे को, मतलब ऐसा मैं कांप रहा हूँ। तो बोलती गर्म पानी कर दो नहाएगा। फिर मम्मी ने पहले मैंने मना कर दिया, फिर बाद में मैंने बोला कि हाँ मम्मी कर दो, मेरे को लगता है ना मेरे को बुखार हो रहा है। और धीरे 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 बुखार इतना चढ़ गया भाई कि मैं बोल भी नहीं सकता। पापा ने बोला मेडिसिन है खा ले, मैंने बोला नहीं पापा, एंड ऐसा कांप रहा हूँ। मतलब शायद दिल्ली में भी ऐसा नहीं कांपता मैं, दिल्ली में भी इतनी बुरी हालत भाई। मैं बोल रहा हूँ ठंड से मस्ती मत लो, मेरी ऐसी फटी है ना मैं आपको बोल भी नहीं सकता। मेरी मम्मी से पूछना, जब मैं घर जाऊँगा ना तो मम्मी से बात करवाऊँगा, मम्मी से पूछना क्या हालत हुई है मेरी, इतना गंदा बुखार। एंड लोकल में आके बैठा, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा आराम हुआ। एंड जब मैं चाय पी रहा था, चाय बिस्किट, तो मेरे को उल्टी भी हो रही थी भाई, मतलब क्या हो गया मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा, शायद नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। एंड मैं लोकल में बहुत कोशिश की सोने की, नींद ही नहीं आई। अब साला आराम से सारा सामान निकाल के रख दूंगा सामने, एंड चश्मा निकाल के रखूँगा और सो जाऊँगा फ्लाइट के अंदर। अभी मेरे को बहुत टाइम है यार, 6:30 बज रहा है एंड अपनी फ्लाइट है 9 बजे की। एंड इसके पहले वाला अगर ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लेना। एंड अभी अपन बाहर आकर रिक्शा लेते एंड जाते हैं टर्मिनल 2, क्योंकि अपना एयर इंडिया है एंड अपने लिए परफेक्ट है। बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैंने गलत टाइम पे ले लिया, मेरे को ये टाइम नहीं चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है मैं नहीं सोता हूँ रात को, एंड मैंने मॉर्निंग की फ़्लाइट ले ली। अब था नहीं तो मैं क्या करता। एंड एयर इंडिया मिल रहा था, महंगा था, पर एयर इंडिया ही मेरे को पसंद है और वो मिल रहा था, तो मैंने बोला यही कर, महंगा है तो क्या होगा। उससे सस्ती फ्लाइट भी थी बट मैंने बोला नहीं तू एयर इंडिया ही कर, मेरे लिए वो बेस्ट है, मेरे को मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड मेरे को पता है फ्लाइट के अंदर बहुत ठंड लगी है, तो वो लोग देते हैं स्कार्फ, मतलब जो होता है ना चद्दर टाइप, वो लोग देते हैं, तो वो लेके सो जाऊँगा, बांध के सो जाऊँगा आराम से। फिलहाल अपन रिक्शा लेते एंड निकलते एयरपोर्ट के लिए, ठीक है गाइस। हाँ चलो, भैया टर्मिनल 2 कितना लेंगे, मीटर से ना? 100 रुपया है। मीटर से चलो, 100 रुपये मीटर भी हो जाए। चलो। एंड हाँ गाइस, जब मैं कल मुंबई जा रहा था ना 1 बजे ट्रेन पकड़ के, तब मेरे को ना गले में पेन चालू हुआ कफ की वजह से, एंड वो पेन इतना खतरनाक, एंड मैं लोकल में बैठा हूँ मैं थूक भी नहीं पा रहा हूँ, जो मुझे कफ हो रहा है थूक भी नहीं पा रहा, उसकी वजह से मेरा घर पे इतना जाम हो गया। सुबह उठा हूँ ना मैं, इतना पेन कर रहा था, इतना पेन मैं आपको बोल भी नहीं सकता, इसलिए फिर बोल रहा हूँ भाई ठंड से मस्ती मत लो। मुंबई में भी ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, पर दोपहर में नहीं पड़ती है, पर मतलब पूरा मौसम चिल रहता है, सुबह सुबह बहुत पड़ती है, तो मस्ती मत लो भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो। एंड मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने कपड़े भी नहीं पहने, बट मेट्रो में भागना है मेरे को, तो मेट्रो के अंदर ज़्यादा ठंड वंड नहीं लगती है। तो जैसे ही घर पर पहुँचा जितने हो सकते कपड़े उतने कपड़े पहनूंगा, एंड भाई पहली फुर्सत में सोऊंगा, मेरी नींद कई दिनों से पूरी नहीं हुई, कई दिनों से मैं सोऊंगा, मतलब जितना दिल करेगा मैं उतना सोऊंगा, खाना खाऊंगा सोऊंगा, जब तक मेरा को ऐसा लगता नहीं ना कि हाँ मैं सो लिया हूँ ठीक से, तब तक सोता रहूंगा भाई। मुंबई कुछ सुबह सुबह ऐसी लगती है, वाह देख रहे हो गाइस कितना प्यारा हो रखा है, देख लो आसमान, नाइस। दिल तू जा तू, ये है अपना मुंबई टर्मिनल 2। जितने भी लोग आए हैं,
कमेंट करके बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या हो गया भाई बीच में रुक गया। वाह भाई, मैं बोल रहा हूँ कभी भी भाई मन नहीं होगा भाई, इससे मन कभी ये नहीं होगा। खूबसूरती खूबसूरत जिसने भी बनाया ना भाई, गजब। मैं इतनी बार आया हूँ फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहाँ ही आ गया हूँ। तो यहाँ से अपने को एंटर करना है एंड आगे से राइट लेना है, ठीक है गाइस, आगे से अपने को राइट लेना है। मेरे को अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर लग रहा है। मेरे को नहीं पता क्या हो गया था, शायद रात को फैन पूरे स्पीड पे चालू था एंड बाकी सब तो आराम से सो रहे थे, मैं पूरी रात तर 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 काँप रहा था, उसकी वजह से मेरी हालत टाइट हो गई। भाई मैं इस बार कोई पंगा नहीं लूँगा, कोई भी पंगा नहीं, इज्जत में भाई। मेरे को जो हुआ है ना, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्या हुआ है मेरे साथ, कितना बुरा हुआ है मेरे साथ। फिलहाल अपन आ गए ये अपना बॉम्बे का पार्किंग, ठीक है। एंड अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो ब्यूटी, वेरी ब्यूटीफुल, देख रहे हो गाइस। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं ना, उनको पता है मैं कितनी बार आया हूँ, फिर भी साला मन नहीं होता। ये देखो ये अपना फेवरेट, भाई एक ना एक दिन तुझे ज़रूर लूँगा मैं, याद रखना, ज़रूर एक दिन तेरे को खरीदूँगा मैं, मेरी ज़ुबान है आपसे। ये देख लो नाइस, बट अपन चलते हैं। अभी नॉर्मल हुआ, अभी मैं नॉर्मल हुआ, अभी ठीक लग रहा है। मेरे को लगा एयरपोर्ट में मतलब थोड़ा बहुत मेडिसिन होगा तो एयर होस्टेस वगैरह होगी, उससे मांग के खा लूँगा कि थोड़ा बेटर फील हो, डोलो वगैरह, बट अब मैं ठीक हूँ। चेहरे से क्या लग रहा है, हूँ ना ठीक बढ़िया। सो गाइस देख रहे हो गाइस, घर अपना बॉम्बे आया क्या समझ में, लाला मुंबई में। भाई इतना मजा आता ना व्यू देख के, मैं आपको क्या बोलूं। मैं जितनी बार आऊंगा ना उतनी बार इस व्यू के दर्शन जरूर कराऊंगा मैं आप लोगों के, जरूर। देख रहे हो नाइस, फाइव नंबर पे नाइस, बहुत बढ़िया। मैंने यार बोर्डिंग पास नहीं लिया है यार, शिट गाइस, बोर्डिंग पास नहीं लिया मैंने, कोई नहीं गाइस, चलता है, चलो एंटर करते हैं फटाफट अंदर, ठीक है गाइस। मैंने बोर्डिंग पास नहीं लिया इसलिए वहाँ से नहीं जा रहा हूँ, वो डीजी यात्रा है आई गेस, हाँ डीजी यात्रा है, शायद सीट वीट पीछे मिल रहा था इसलिए भाई बोला कि निकालू कि नहीं, मिला स्किप करते मैं ले लूँगा क्योंकि मैं टाइम से पहले आ रहा हूँ ना, अगर लेट हो रहा होता तो मैं ज़रूर बोर्डिंग पास मतलब ऑन टाइम मतलब आगे थोड़ा बहुत आगे आ रहा होता तो मैं निकलवा लेता, बट कोई नहीं, बोर्डिंग पास अंदर जाके लेंगे, आपको फिजिकल कॉपी दिखाऊंगा क्योंकि मैं हूँ कलेक्टर, ठीक है। सो भाई अभी मैं जा रहा हूँ एयर इंडिया वालों के पास, बस ढूंढना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, फटाफट लेके ना मैं जाऊँगा। सुसु करने बहुत ज़ोर से सुसु लगी है भाई, व्यू देख लो, व्यू के मजे लो, क्योंकि मेरा तो कभी भी इससे मन ये नहीं होता, मैं तो ऑल टाइम मैं मज़े लेता हूँ इसके, एंड व्यू देखते जाओ नाइस। एयर इंडिया यही है क्या, हाँ यही है एयर इंडिया, यही है, चलो शायद बिजनेस आगे होगा एंड इकोनॉमी यहाँ पे होगा तो अपन ले लेते बोर्डिंग पास, फिजिकल बोर्डिंग पास, एंड फिर अपन जाते हैं सुसु करने, ठीक है सुसु करने। व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना, वाव नाइस। अरे एंट्री कहाँ से है भाई, गजब आदमी है यार, गजब लोग यार, पूरा खाली है फिर भी दौड़ा रहे। मेरा जो बाल काटता है ना, मेरे को उसके यहीं, मैं उसके यहीं से कटवाता हूँ एंड मेरे को बहुत मज़ा आता है, बट इस बार उसने इतना गंदा काटा ना, मेरे को खुद को ही देखने में गंदा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट मैंने किसी और को भी ये बात बोली तो उसने बोला नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बोला क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा क्योंकि हमेशा मेरे को बढ़िया लगता है, इस बार पता नहीं क्यों मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। उसने पता नहीं जल्दी जल्दी काटा, कुछ कोई था भी नहीं फिर भी,
मैंने उसको बोला भाई कोई नहीं है, आराम से काट, कोई दिक्कत कोई घाई नहीं है। पता नहीं कैसा अजीब ही काट दिया उसने बाल, गजब यार। लाइन लगी है थोड़ी सी, कोई नहीं भाई। कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है। अभी अंदर जाते हैं। इंटरनेशनल तो बहुत प्यारा, ये इंटरनेशनल ही है पर ये डोमेस्टिक वाला इंटरनेशनल है, एंड इसके आगे जाके चेंज हो रहा था डोमेस्टिक वाला और इंटरनेशनल वाला। इंटरनेशनल बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी कर यार, सुसु लगी है मेरे को। लड़की जिसने मेरे को निकाल के दिया बहुत अच्छी थी। मैंने उसको बोला कि मेरी ना थोड़ी सी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, तो मेरे को या तो बाहर की सीट देना या फिर विंडो देना, बीच की मत देना, खामखा मैं दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर दूंगा, वायरल फीवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए मैंने उसको बोला पॉइंट पे छोड़े भाई, बीच वाली दे या विंडो सीट दे। उसने मेरे को विंडो सीट करा के दी, पीछे की है बट कोई नहीं, और मेरे को कौन सा, मेरे को सोना ही है। साला मेरे बाजू में जो बैठेंगे मुझे गाली देंगे, साला विंडो पे बैठ के सो रहा है। कोई बात नहीं, गाली सह लूँगा मैं, इतने लोगों से सहता ही हूँ ना, कोई बात नहीं। फिलहाल अपन खुल जा सिम सिम, चल भाई, चलो गाइस, चलो व्यू दिखाऊं मैं आपको। ये देखो डेंजरस व्यू, बहुत ज़्यादा डेंजरस व्यू, खतरनाक व्यू। देखो कितना बड़ा, देख रहे हो गाइस, ये इसका कलेक्टर रूम है, कलेक्टर। ठीक है, अब इसको भी जाके संभाल के रखूँगा। एयर इंडिया है भाई, एंड विस्तारा और एयर इंडिया मर्ज हो गए, बट कोई नहीं, अपन कर लेते हैं फटाफट। डीजी यात्रा के लिए अंदर जाते हैं, तो मैं ऐप खोल रहा हूँ, तो पहली बात तो ऐप खोलते ही पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड नहीं मांग रहा, एंड ये कब से यही कर रहा है। मैंने बोला एक ही एंट्री ले लूँ डीजी यात्रा से, थोड़ा सा मज़े ले लेता हूँ, बट डीजी यात्रा ने मेरे मज़े ले लिए भाई। कोई बात नहीं गाइस, होता है होता है, अपन को बोर्डिंग पास स्कैन करके जाना पड़ेगा, कोई नहीं चलता है। बस एक ही एंट्री है, इसके बाद तो कोई एंट्री नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं है, अब कहीं कुछ नहीं करना, सीधा जाके फ्लाइट में बैठो। मैंने सोचा एक ही गेट है कर लेता हूँ, बट हुआ नहीं, देख लूँगा साले तेरे को, समझा गया। यहाँ से व्यू देखो भाई, पूरा बिग व्यू। अरे ये अपना फेवरेट प्लेस, यहाँ पे आके जो भी फ़ोटो खींचेगा ना, ऐसे करके तो मेरे को टैग कर लेना, सिंटू गुप्ता की आईडी को टैग कर लेना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो गाइस, ज़रूरी है क्योंकि आपको अपडेट्स तो चाहिए ना, करनी है ना रिटेल में होलसेल में शॉपिंग। अपन फिर से आ गए ले क्या, क्या बोलते हैं, कंपनी कमाई ले बहुत मनी। ये देखो, ए होए भाई, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, जितना बोलूँ उतना कम। ठीक है गाइस, अब देखो मैं इतना डिटेल में इतना आराम आराम से इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ पाते यार, तो वो शायद देख लें, एंड मैं भगवान से यही विश करूँगा कि वो लोग भी एक दिन ज़रूर आए ट्रैवल करें, क्योंकि मेरा सपना था भाई, तो मेरा अगर सपना था तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका सपना होगा, ड्रीम होगा फ्लाइट में ट्रैवल करना। तो ये सब नहीं लूँगा मैं, हट, अपन ने दिखाया था ना अभी, वो लूँगा मैं। ये देखो, ओए होए नाइस। चलो गाइस, टाइम तो है मेरे पास, बैठ जाऊँ क्या, वैसे टाइम हो क्या रहा है, एक मिनट गाइस मैं चेक ही कर लेता हूँ ना, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। 7:22, नहीं डेढ़ घंटे के लिए क्या बैठूँगा, जब ज़्यादा टाइम होगा ना तब यूटिलाइज करने का। वैसे है मेरे पास काफ़ी है, काफ़ी बार बैठ सकता हूँ, मतलब एक साल के अंदर काफ़ी बार बैठ सकता हूँ, एंड कार्ड वार्ड सब ले लिए ये सोच के कि यार मैं लॉन्ज में बैठूँगा, एंड कभी नहीं बैठता। अभी भी देखो बैठा क्या मैं, कभी नहीं बैठता भाई, एक या दो रुपए लगते हैं, जितना मर्ज़ी उतना खाओ, जो मर्ज़ी वो खाओ, जो दिल करे, नॉन वेजिटेरियन वाले भी फ्री में जो मर्ज़ी वो खाओ, एक तरीके से फ्री हुआ ना, एंड जो वेजिटेरियन है वो भी फ्री में दबा के खाओ। जो अगर 4-5 घंटे पहले आ जाए, या फिर जिसका इंटरनेशनल ट्रिप है, वो लोग क्या है जल्दी आ जाते हैं, तो उनके लिए, अपने डोमेस्टिक वालों के लिए नहीं है। वॉशरूम आगे उधर है, मेरे को सुसु लगी है बहुत ज़ोर से, मैं पहले धार मारता हूँ फटाफट, बहुत ज़ोर से लगी है भाई। चलो देख, दिख रहा है गाइस, B1 लास्ट में अपना, नॉर्मली यहाँ होता है या आगे होता है एयर इंडिया का,
हाँ अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ बस। भाई अपन ने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो ले ली है एंड अभी अपन जाएंगे बैठेंगे, क्योंकि 6:30 बज रहा है, कितना बज रहा है भूल गया, तो अपन जाके वहाँ बैठेंगे 1-1.5 घंटा, फिर फ्लाइट का टाइम होएगा तो अपन जाके अंदर बैठ जाएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं। आ जाओ मेरे बाबू, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक सेकेंड, मैं जब बाहर निकला ना तो मैंने रियलाइज़ किया कि अंदर एक परफ्यूम वॉशरूम में होता ना परफ्यूम, इतना प्यारा परफ्यूम था भाई, लिटरली उससे प्यार हो गया, इतना प्यारा फ्रेगरेंस। एक्चुअली मेरे को फ्रेगरेंस का बहुत शौक है बट अप्लाई नहीं करता हूँ, एक अलग बात है, घर पे लेके रखे हुए मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बट मैं नहीं यूज़ करता, पता नहीं क्यों, शौक बहुत है पर करता नहीं, क्योंकि ना 2 घंटे में उड़ जाता, आधे 1 घंटे में उड़ जाता, तो मेरे को ना मज़ा नहीं आता, पता नहीं, मेरे को तो भरोसा ही नहीं है ओरिजिनल परफ्यूम, मतलब जब US वगैरह जाऊँगा तो एयरपोर्ट वगैरह से लेके आऊँगा, वरना इंडियन मैं स्टोर से भी जाके लूँ ना फिर भी मेरे को भरोसा नहीं है परफ्यूम्स पे। पर वो जो परफ्यूम था भाई गजब था, बहुत अच्छा, मतलब एक होता ना एक मज़ा आ जाता है कोई अगर साइड से निकल कर जाए तो मज़ा आता है, तो वैसा वाला था एकदम सही सही वाला। सो जाऊँ क्या भाई, ये देखो बेड वेड लगाया हुआ है, ये बोल रहा हूँ, सो जाऊँ क्या, क्या है भाई ये कुछ अजीब नहीं लग रहा, फिर से वो गले का प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, पहले अगर जाते ही अगर मैं 12 बजे से पहले पहुंच गया तो पहले जाते ही मैंने डॉक्टर को दिखाऊंगा, अपने पहचान के डॉक्टर है अब जहाँ मैं रहता हूँ, तो पहले जाके डॉक्टर को दिखाऊंगा कि मेरे को क्यों ऐसा हो रहा अचानक से, वो भी यही बोलेंगे शायद सीज़न चेंज हो रहा है ना तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ जा रहा हूँ मैं, बस चलता जा रहा हूँ, 45 आगे देखते गाइस चलो। यार हद है यार, देखो 43 और 43 से आके 90, मैं इतने बार आया हूँ फिर भी ये इतनी छोटी गलती कर दी मैंने, मेरा 45 भी है देख रहे हो, इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ मैं यार, वहाँ पे सिर्फ 43 तक ही है, मतलब 42 तक, फिर से भी वापस जाना पड़ेगा बाहर तक, कोई नहीं अदानी को हेलो करके आते अपन, मतलब हेलो करके जाएंगे वापस। हेलो अदानी भाई, कुछ भी हो भले मैं गलती से वहाँ चला गया बट वो अपना जहाँ पे भी मैंने फ़ोटो वोटो लिए ना वो अपना फेवरेट लोकेशन है फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करने के लिए, तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए, स्टोरी वगैरह पे डाल दूँगा, क्या पता कोई अच्छी फ़ोटो आ जाए। फ़िलहाल कहाँ गया भाई, किधर है, 46:53, अरे अपना कौन सा है भाई, 45, हाँ इधर ही है, क्या हो गया मेरे को आज, क्या हो गया भाई मेरे को, क्या हो गया, शायद तबीयत ख़राब हुई ना मेरी, मेरा दिमाग घूम गया भाई, मजाक नहीं कर रहा, मेरा दिमाग घूम गया, सॉरी मेरा दिमाग भाई सही नहीं है, नींद चाहिए मेरे को गाइस, नींद चाहिए, नींद सोंगाए हाय, दिल तू जा तू मेरे दर्द की दवा तू, बट अब नहीं खाता यार, जब से मेरे को प्रॉब्लम होना शुरू हुआ ना पेट में तब से मैंने पूरा बंद कर दिया, वरना इतना खाया हूँ मैं, जिधर दिखता है ना मैं लिटरली 1-1 दिन में 2-3 बार भी खाया हूँ, मतलब कहीं गया उन्होंने भी मंगा दिया एंड मेरे को कहीं दिख गया रास्ते में मैं भाई घुस जाता था खाने के लिए ऐसा। यार उधर 46 है, 45 किधर है, क्या हो गया यार मेरे को, क्या हो गया, जहाँ पे मैं गया था 45 वहीं दिखा रहा है, क्या हो गया भाई मेरे को, भाई समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो गया। अदानी के वहाँ पे पूरा लास्ट तक गया था मैं, लास्ट से फिर वापस आया भाई, बहुत गंदा, हाय अदानी, बहुत गंदा भाई, बहुत गंदा, शनि का प्रकोप चल रहा है भाई मेरे ऊपर, भाई कुछ तो हो गया है मेरे को नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अबे ये क्या है, ये देखो तुझे ढूंढना मैंने कहा एंड तू मेरे को साला यही मिला, ये देखो, ये देखो सबसे पहला ही है, सबसे पहला ही है, भाग यार भाग, शिट शिट, क्या गुंडा बनेगा रे तू, मैं आगे निकल गया देखा ही नहीं,
ये देखो ये 45। छी यार छी, क्या हो रहा है भाई। मैं उधर ही बैठ गया था बट देखा लोग तो अंदर आ रहे हैं तो मैंने बोला मैं भी चल लेता हूँ, क्योंकि 45 बी अपना, तो पता नहीं ए होगा बी होगा, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। वाओ कितना प्यारा है ना, देख रहे हो, दिस इज मुंबई एयरपोर्ट गाइस। आओ आओ फॉरेन के लोग देखो मेरी वीडियोस को और आओ भाई ये क्या है, यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ, इस जगह पे पहली बार आ रहा हूँ नीचे की तरफ। नाइस, देख रहे हो 45 बी ए है बी वो है 45 बी। ठीक है चलो जगह ढूंढ के बैठते कहीं पे, है क्या कहीं मिल जाएगा इस जगह। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next. So apan aa gaye guys. Bye. Chalo. Namaste. Thank you. मेरे को लगा बड़ी वाली फ्लाइट है यार मज़ा आता है, बड़ी छोटी वाली कोई बात नहीं, पीछे जाते हैं फटाफट। गुड मॉर्निंग, सॉरी भैया कहाँ है 2013 28 है। मेरे को मुंह में ना वो हो रहा है, मेरे को थूकना है, पहले थूकूंगा फटाक से। चलो अपन साथ पहले ही आए सबसे, 25 28 ए विंडो। चलो मैंने कुछ टिश्यूज़ लेके अपने पास रख लिए क्योंकि मेरा विंडो सीट है तो मुझे जब बलगम आएगा तो मेरे को उठना नहीं पड़ेगा, मैं उसमें ही थूक के ग्लास में डाल दूँगा। मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे को जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, वरना अगर ज़्यादा हो गया तो मेरे को कान की प्रॉब्लम हो जाएगी, कान ब्लॉक हो जाएगा मेरा। तो कैसा लग रहा है, आ गया अपन अंदर, जाए अभी बैठे चुपचाप आराम से, चद्दर लेके चद्दर दिखाता हूँ आपको। चलो ये है वो चद्दर, जब मैं वॉशरूम जा रहा था तभी मैंने उसको बोल दिया कि मेरे को एक ब्लैंकेट दे दो, तो अभी इसको लपेटता हूँ मैं। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। जब मम्मी पापा को लेके आया था तब भी मम्मी ने इसको यूज़ किया था, मम्मी को ठंड लग रही थी, तो अभी इसको ओढ़ लेता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है। एंड ये बाहर का व्यू अपने को, अरे यार शिट सारा मेरे साथ में होना था क्या ये, शिट यार वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा, शिट शिट गाइस शिट, फंस गया गाइस। ये कुछ इस तरीके से लपेट लिया है मैंने एंड अभी सो जाऊँगा, गर्म पानी पी के ना सो जाऊँगा, खाना आने में कम से कम आधा घंटा है तब तक सो जाऊँगा भाई। पता नहीं क्यों यार अजीब सा ही फिर से होने लगा मेरे को, गर्म पानी पीते हैं। कान में इतना दर्द हो रहा है ना मेरे, एक तो सर्दी है मेरे को, ऊपर से फ्लाइट की वजह से कान में बहुत दर्द हो रहा है। एयर इंडिया में ये प्रॉब्लम होती नहीं है, मैं पहले क्लियर बता दूँ, ये इंडिगो में होता है यूजुअली, बट ये जो फ्लाइट थी वो काफ़ी पुरानी थी इस वजह से कान में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है भाई, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। अब जाके जब थोड़ा सा नीचे आया तब जाके लैंड हुआ, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला,
बट ये कान खुला है, ये अभी भी बंद है, बहुत दर्द हो रहा है भाई। तो भाई मेरी तबीयत हो रही है फिर से खराब, तो भैया कैसे हो आप? बढ़िया, जोर से बोलो। बहुत बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया, मेरे को देख के क्या लग रहा है आपको? मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को फील हो रहा है भाई। एंड भैया एक बार अपना नंबर वंबर दिखा दो किसी को, अगर कुछ लेना देना होगा तो। ये है अपना नंबर, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉल कर सकते हैं भैया, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी को कुछ घर बैठे मंगाना तो? पक्का? मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? पक्का भेज दोगे ना? 100%। ठीक है, जिसको भी लेना होगा इस नंबर पर कॉल करके जो मंगाना होगा घर बैठे मंगा लेना। एंड अभी अपन नहीं दिखा सकते इस वीडियो के अंदर कुछ भी, बट समझने वाले समझ जाओ, चेहरा देख लो, भरोसे पे दुनिया कायम है। ठीक है, जो मन करे वीडियो कॉल करना इस नंबर पे, एंड जो मन करे घर बैठे मंगा लेना। तो भैया वीडियो शुरू करें, मेरी हालत, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, मतलब आपको ऐसा हो रखा हूँ। आपको पहले ताकत वाला सब कुछ खिलाते हैं। अरे मैं गया हूँ। चलो ठीक है, करते हैं, शुरू करते हैं, चलो फटाफट। तो अपनी वीडियो बन गई एंड अपन आ गए घर पे, एंड मेरी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ठीक है, पूरा ठीक हूँ, सिर्फ गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट वो भी ठीक हो जाएगी। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, जितने लोग मेरे लाइव पे नहीं आते, लाइव को ज्वाइन कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ कि जब भी मैं लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप लाइव ज्वाइन कर पाओ। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अपडेट आते हैं, बहुत सारी चीजें मैं शेयर करता हूं, तो इंस्टाग्राम पे जाओ, जाके फॉलो कर लो। मेरा यूजर नेम है SINTUGUPTA, सिंटू गुप्ता। ठीक है, आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी सब कुछ सेट है, आपका भाई बेस्ट है, तो जो करना है करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक शेयर कमेंट हो जाना चाहिए एंड शेयर भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।